राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विभाजन के बाद अब दोनों गुटों द्वारा अपनी प्रतिष्ठा पुनः स्थापित करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, जिसके चलते आज विधायक रोहित पवार समेत रोहित आर.आर. पाटिल, विधायक सुनील भूसार, विधायक संदीप शेषाकर यह नागपुर दौरे पर है, जहां उन्होंने इस संकल्प दौरे की शुरुआत दीक्षा भूमि से दर्शन करते हुए की। इस संकल्प दौरे के दौरान विधायक रोहित पवार, रोहित आर.आर. पाटिल, विधायक सुनील भूसार, विधायक संदीप शिरसागर आदि नागपुर के कुछ चुनिंदा ठिकानों पर मुलाकात करने वाले हैं, जिस सूची में सुबह 9 बजे इस दौरे की शुरुआत दीक्षा भूमि से दर्शन करते हुए की गई। इस समय उपस्थित नेताओं समेत राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गुट के स्थानीय नेता विधायक प्रकाश कस्बी, सलील देशमुख, शराध्यक्ष दुनेश्वर पेटी, विद्यार्थी कांग्रेस के अध्यक्ष आकाश कस्बी, जिलाध्यक्ष संतोष नरवाड़े, जिलाध्यक्ष श्याम मंडपे, शहर प्रवक्ता नूतन रेवतकर आदि मौजूद थे। गौरतलब है कि दीक्षा भूमि से दर्शन कर उन्होंने गणेश टेकरी मंदिर और नागपुर की सुप्रसिद्ध पीली मार्बल के दर्शन किए, जिसके बाद वह जिला निहाय बैठक के लिए रवाना हुए। दीक्षा भूमि से निकलते हुए विधायक रोहित पवार समेत रोहित आर.आर. पाटिल, विधायक सुनील भूसार, विधायक संदीप शेषागर आदि ने ऑटो से सफर किया, जो मौजूद लोगों के लिए जिज्ञासा का केंद्र बना था। इस समय विधायक रोहित पवार ने विदर्भ दौरे की जानकारी दी। पदाधिकारी कार्यकर्ते आम्ही सर्वजण इथं आलो आहोत। आज विदर्भ भागामध्ये असणारे सर्व पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते जे विचाराला आणि पवार साहेबांना निष्ठा मनामध्ये ठेवून त्यांच्याबरोबर राहिले अशा सर्व पदाधिकाऱ्यांबरोबर आम्ही चर्चा करणार आहोत आणि पुढच्या महिन्याच्या 3 ते 4 तारखेनंतर प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये जाऊन तिथे असणाऱ्या पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांशी आम्ही सर्वजण चर्चा करणार आहोत। कॅमेरा पर्सन अजित कुवर के साथ मनीष टेमरी की रिपोर्ट।